welcome back to my channel. This is Swati Kumar from Blonde Beauty and I hope you guys are doing well and I hope you guys like my previous videos. And in today's video I am going to review this beautiful rose gold palette from Makeup Revolution. This is a chocolate rose gold Makeup Revolution palette. And before starting video, please do subscribe my channel and like my video. To show you this beautiful palette, this is a melting rose gold packaging and it looks so pretty and it's very sturdy and it's little bit heavy on the outer side. And in the inner side, I want to show you the shades. So it has 16 shades total in this palette and it has 7 shimmering shades, these are, and 7 matte shades here, and 1 transition shade and 1 is a highlighting shade here. So overall it's a very beautiful shade palette and it is a dupe of Huda Beauty rose gold palette. Going to do a makeup tutorial with this rose gold palette, a party wear makeup tutorial with this Makeup Revolution palette. So let's get started. To do my base makeup and my eyebrows, and after that I'm going to start my eye makeup. I'm done with my base and my eyebrows, so I'm going to start my eye makeup with this palette. And first I am taking this shade right here and I'm taking a blending brush. And apply it on my whole eye. गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन शेडोज का बहुत ही अच्छा पिगमेंट है और नंबर वन इसका क्वालिटी है और काफ़ी
अच्छा इसका वो रहता है पिगमेंट और काफ़ी देर तक ये आई शेडोज रहती हैं, दे आर नॉट चौकी, सो अच्छा रहता है ये आई शेडो पैलेट। सो मैंने अपना बेस लगा लिया है आईज पर, उसके बाद मैं लूँगी एक ट्रांजिशन शेड जो कि है ये वाला शेड। सो मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश से अपने सर्कल आई सर्कल पर इसको मैं ऐसे ब्लेंड करूँगी। सो ये मेरी आईज को डेप्थ देगा। ये वाला शेड और अगेन इसको अपनी डेप्थ के लिए यूज करेंगे शेड को। शेड लेंगे इसको अपना आईज की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए मिड तक लगाएंगे। अगेन हम इस रेड कलर को लेंगे और आउटर कॉर्नर में लगाएंगे। रेड कलर लूंगी और अपने आउटर कॉर्नर पर फिर से लगाऊंगी। आफ्टर दैट मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी और मैं उसको एक अच्छे से सेटिंग स्प्रे से एक दो पंप स्प्रे करूंगी। आफ्टर दैट मैं लूंगी ये रोज गोल्ड कलर, थोड़ा सा अपने ब्रश में लूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूंगी दिस ग्लिटर कलर को। जैसे कि आप सब देख सकते हैं काफ़ी फॉल आउट हुआ है इसका, तो मैं उसको ब्रश से हटा दूंगी।
उसके बाद मैं एक हाईलाइटिंग शेड लूँगी और मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी, टेकिंग दिस हाईलाइटिंग शेड, और मैं अपने यहाँ ब्राउन आउट में उसको लगाऊंगी। अपने ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी सो दैट ये सब एक इवन लगे। इसके बाद मैं एक अगेन दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी या फिर एक फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं हम उसके लिए। सो फ्लैट ब्रश से मैं ये गोल्डन शेड लूंगी और उसको अपने इनर कॉर्नर्स में आगे में अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा हैंड से भी आप अपने ब्लेंड कर सकते हैं आपको लगता है तो। उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश लूंगी और मैं अगेन ये रेड शेड लूंगी और अपनी आईज के नीचे हल्का हल्का सा इस कलर को अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं लूंगी निक्स का आईलाइनर और एक पतली सी लाइन अपनी आंखों पर ड्रॉ करूंगी। दूसरी आई पे भी सेम आईलाइनर ड्रॉ कर लेंगे। सेम लाइन ड्रॉ कर लिया हमने आईलाइनर का। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई अ काजल अंडर माय आईज। सो उसके लिए मैं लूंगी कॉलोसल का काजल और बहुत हल्का हल्का अपने आईज के नीचे मैं ड्रॉ करूंगी, नॉट टू मच। ओनली ऑन वाटर लाइन, क्योंकि ये पार्टी वेयर लुक है गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा हमको आईज को फुलर दिखाने के लिए काजल एंड लाइनर और मस्कारा तीनों चीज अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद मस्कारा लेंगे एंड अच्छे से मस्कारा का दो कोट अपनी आईलैशेस पर अप्लाई कर लेंगे।
सो गाइस ये हो गया मेरा पार्टी वेयर आई शेडो लुक और इसको मैं कंप्लीट करूंगी अपना लिपस्टिक के साथ। लिपस्टिक के लिए मैं लूंगी फर्स्ट वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक कैट्सवे इन द शेड मिसी एंड फैसी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट रेड शेड है ये। सो इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी फर्स्ट। जैसे ही ड्राई आउट हो जाएगा उसके बाद, वैसे तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू आर वियरिंग एनी रेड ड्रेस, सो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आई शेडो से मैच करता हुआ ग्लिटर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैं लूँगी निक्स का कॉस्मिक मेटल लिपस्टिक शेड इन द शेड फुशिया फ्यूजन एंड इट्स अ वेरी ग्लिटरी शेड। एंड ये ड्राई आउट हो गई है मेरी लिपस्टिक और अब मैं अप्लाई करूंगी दिस लिक्विड ग्लिटर। चाहे तो आप ब्रश से या फिर इसी ब्रश से आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये मेरे आई शेडो के साथ थोड़ा सा ग्लिटरिंग लिपस्टिक लुक हो गया है। सो ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। एट आई एम टेकिंग निक्स ड्यूई फिनिश मेकअप फिक्सर एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन ऑल ओवर माई फेस सो दैट मैंने जो ये मेकअप किया है ये मेरा पार्टी में या फिर मैं ऑल डे अगर चाहिए तो मेरा पूरा दिन वो रहे फेस पे। सो मैं इसको अपने फेस से थोड़ा सा इतना दूरी पर आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग इट। तो ये मेरे मेकअप को काफ़ी अच्छे से फिक्स कर देगा और ऑल डे लुक देगा। सो दैट्स इट फॉर माय दिस लुक एंड दिस इज माय लास्ट स्टेप। ये रोज गोल्ड पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So see you guys in next video. That's it for today. Bye.